हे भगवान, क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? ये प्रश्न तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पानी है? क्या कभी विश्राम नहीं करना है, दौड़ते ही रहना है? मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ, मौत तो महामित्र है। मौत तो हमारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन के अपाधापी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ सीख लिए हो पुराने जीवन से, तो नए जीवन में उसका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने, पुरानी देह के छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है कि जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया, तो उसने सुन रखी थी एक कहानी। कहानी ही मान्यता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई ऐसा एक झरना है, जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए रखें कि वो झरना कहाँ है। और आखिर वो एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया, अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खो में, एक छोटी सी गुफा में वो झरना था। भीतर प्रवेश किया, वो स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। सामने अमृत को देखकर भला कोई कैसे रुक सकता है। जल्दी से अंजलि भर पानी लेकर पीने ही जा रहा था कि एक आवाज गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख भरी कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कोई हर्ज नहीं होगा। जैसे ही कौवा बोला, भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि तुम्हें क्या कहना है। उस कौवे ने कहा, मुझे ये कहना है कि जैसे तू आदमियों में सिकंदर है, वैसे ही मैं भी कौओं में सिकंदर हूं। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था, और अंततः मैंने ये झरना पा लिया और मैंने भी जी भरकर पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियां बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूं और मैं मर नहीं पा रहा हूं। सिर पटकता हूं, चोट नहीं लगती, पहाड़ से गिरता हूं जिंदा का जिंदा, आग में चला जाता हूं पंख नहीं चलते, जहर पीता हूं असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है, मैं थक गया, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूं, किस लिए जीता रहूं? अब ये जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो, ऐसी कोई चीज है, जगह है जहां अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना है तो पियो, लेकिन सोच लेना, फिर मर ना सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने दो क्षण सोचा और फिर वहां से भागा। भागा इसलिए कि कहीं प्रलोभन में पी ना ले। और ऐसा भागा कि उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की, तो वो बात नहीं करता था। वो कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात नहीं सुनना चाहता। इस ऑडियो का सबसे पहला प्रश्न था, क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नित नया करने की अवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन नित नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है, अब किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीत कर क्या करोगे? असली सवाल ये नहीं है कि मौत पर कैसे विजय पाया जाए,
असली सवाल ये है कि जीवन को कैसे जिया जाए। एक फिजूल की बात पूछते हो, अभी जिंदा हो, इस जिंदगी का उपयोग हो सके, कैसा सदुपयोग हो सके। ऐसी कुछ बात पूछो कि इस जीवन को समग्रता से कैसे जिए कि दोबारा देह में ना आना पड़े। ऐसी कोई बात पूछो कि कैसे परिपूर्णता से जिए कि इस पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर ना आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया है और जताया है। उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते हैं, उपनिषद यही समझाते हैं, कुरान और बाइबल आखिर क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी कहाँ रुकता है। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है। रूप पल पल पर बदल कर और कुछ है, और कुछ है। यह अखंड विधान जग में रच भी चुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है।